छोटे हाँ माँ भाई, लॉकडाउन खत्म हो चुकल बा। महाराज का आतंक कहाँ तक पहुँचल, कहाँ तक हमारा आतंक पहुँचल बहन तक, माया भाई का आतंक कहाँ तक पहुँचल। सुनली है अपने एरिया में दूटे चिरकू डालू है जो गुंडाई करत हुआ, एक लड़की के पीछे पड़ा लू है। का नाम बा? दादा ठाकुर और वीर। दादा शेर से नाम रखने से कोई शेर नहीं हो जाता। दादा ठाकुर का नाम बा लड़की का? हरिया का लड़की हो, हरिया का। कहीं वो बरखवा तो ना, सही बरखवा तो ना हो? हाँ भैया हुआ है, हुआ है। वो हमार हो दादा ठाकुर या हो भी, सब मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे, सब मारे। नीलू पता कर माया के आतंक में कौन दादा ठाकुर और कौन वीर आ गई। अज्जू पता कर। जिन पगल बाबा, नानी कहे नन्ना से और अन्ना कहे नानी से। दादा ठाकुर रघु पता कर कि कौन चिरकुट वीर जन्म। पता कर दादा ठाकुर कौन, उन्होंने का कमजोरी पता कर। बहला फुसला जाल बिछा मिला, फिर मुलाकात करा ताकि बरखा मेरी हो सके। मेरी हो सके बरखा। लिपस्टिक करा पूरा माया भाई बोलो माया हमारा उस्ताद है, हमारा बड़का भाई है माया। माया भाई कहा मिले छो? अड्डा पे। चल माया उसे मिल गई। बैठा बैठा नीचे। इधर के दहाड़ने से सिर कभी पीछे नहीं होता। काहे बदे बोलोला माया भाई? बरखा हमारी है, कबो ना हो सका। मैं तुम्हें दौलत से ढक दूंगा, पैसा पे कबो प्यार ना बिकाला। भौराज का साम्राज्य तुम्हारा, बगैर बरखा का साम्राज्य बेकार है। सोनारी गांव वाला फार्म हाउस तुम्हारा, फार्म हाउस लेके क्या करूंगा जब बरखा ही नहीं रहेगी। 10 करोड़ रुपए भाड़ा तुम्हारा, बरखा है किस काम की जब दौलत ही नहीं रहेगा। कब दे रहे हो? पहले बरखा फिर पैसा। मंजूर है। कल इसी जगह इसी वक्त बरखा का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। एक हाथ से पैसा, एक हाथ से बरखा का हाथ। छोटे शाबाश, दादा ठाकुर के फंसा ले। अब बरखा के लेते ही
उड़ा दे साले। ना उसे खतरनाक वीर हो। वीर कौन हरी? वीर जेकरा आवे से हवा भी अपनी रुख मोड़ लेती है, मानो जख्मी शेर जैसा दहाड़ता है। जी किसी के भुजाओं में इतनी ताकत, किसी के भुजाओं में इतनी ताकत नहीं जो माया भाई को छोड़ दे। वो पीतल की गोली अभी तक नहीं बनी जो माया भाई के कलेजे को पार कर सके। वीर को भी आने। मैं दीवाना हूँ आपका, एकलौता हूँ अपने बाप का। हाँ मैं दीवाना हूँ आपका, एकलौता। ए जान चला ले चली तो क्या, आज अपने खामा उठ चलिए। मेरा यार चला गैरों के घर, मेरा प्यार चला गैरों के घर, मेरा यार चला गैरों के घर। मैं सोचता हूँ अब क्या होगा, माया भाई मैंने अपना वादा पूरा किया। लाया बरखा आप अपना वादा पूरा कीजिए। रघु ले 10 करोड़ रुपया और फार्म हाउस के कागजात। लिखा कैला चवन करेगा हम कह देंगे। कार मालिक माया भाई आओ बैठो, आओ बैठो। काली से दादा ठाकुर ना दिखत हन, चला देखे मंदिर में तो हो ही था। काम है दादा ठाकुर? देखा देवा 10 करोड़ रुपया फार्म हाउस बड़का के हम माया भाई के हवाले कर देंगे। पैसा भी अपन क्या भेज दे रुक हम देखा ला। अरे वीर रुका, प्यार की कीमत ही पैसे से बढ़ के ना हो वीर, प्यार की कीमत पैसे से बढ़ के ना हो। रुकम देखा था मैंने माय भाई तो मेरे दोस्त का पैर क्या लग गया। घमंड ना करे जिंदगी पे, तक जिंदगी तकदीर बदलती रहती है। तस्वीर तो वही रहती है पर चीजें बदलती रहती है। पहली गलती तो तूने ये की जो उसको टच किया, दूसरी गलती ये की जिसका हाथ पकड़ा, तीसरी गलती मत करना वरना ऐसी मार मारूंगा कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा। चल यार आप तो बंदूक सिखावत रहा। चला
दादा ठाकुर वही चिनेरी के बीच बीच निशाना लगावा। ठीक है मैं का पकड़ा। इतना दिन से बंदूक चलाओ थी का आज जो निशाना न लगे देख दीर हमारा निशाना। क्या कैसे आवाज आल बीर या देख के आवाज दादा। माया भाई वीर तू ठीक ना कहला हमारे पार्टनर के हमारे हाथे तू मरवा दला। हमारे पार्टनर के मल्ला हमारे बरखों के मल्ला आज से हमार तो आज दोस्ती खत्म। अपना एक पेचीदा चेहरा लेके मेरे सामने से निकल जा तू और ना आज इसी गोली से तू भी मारा जाएगा मेरे हाथों से वीर। अच्छा दादा ठाकुर तो ये बात हो दादा ठाकुर से दुश्मनी भागना पड़ी न छोड़ा बुबिरवा के शांति रख। जी ने पगलवा हुआ रघु कटवा पकड़ा बोला छमिया के आज आराम करता ने मस्ती मौज कर अब हम ही के मारे पड़े हुए। खुशी कहे में सरम्बा मिल गई फर धीरे नरजी खतम्बा धीरे धीरे पूरा परिचार हो गई धीरे धीरे पूरा परिचार हो गई। जब से सैयाजी के जब से सैयाजी के भइल बा बेकार यार के बहार हो गई हमारा राजा जी के भइल बा बेकार यार के बहार हो गई। आप सुन रहे हैं एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति।